गाइस, मैं हूं अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ऑडो अप 360। तो भाई आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की जिम्नी, और भाई ये गाड़ी हमारी थार से कंप्लीट करती है। और काफ़ी लोगों को ये गाड़ी पसंद है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है इसके लुक्स की वजह से। खैर पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे तो इस गाड़ी के लुक्स बढ़िया लगते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती, और कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो थार से काफ़ी सही हैं। और आप लोग को भी मेरे हिसाब से वो चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि भाई थार से काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर कर देती है मारुति की जिम्नी, और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग भी थी लोगों को इस गाड़ी की। तो सारी बातें आज बताएंगे, और पांच एडवांटेजेस की आज हम मेनली बात करने वाले हैं, क्यों हम लोग को इस गाड़ी को खरीदना चाहिए। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले विजर की बात करेंगे, वो है भाई इसकी आंखें मतलब लाइट्स। अगर हम बात करें वहां पर थार की, इसके कॉम्पिटिटर की, तो भाई इसका जो कॉम्पिटिटर थार है उसमें भाई हम लोग को चाहे 4x4 ले लें, कोई भी ले लें, भाई हम लोग को उसमें हेलोजन लाइट्स ही देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत घटिया, और आदमियों को चेंज करवानी ही पड़ती है, मजबूरी रहती है। क्योंकि भाई अब हेलोजन लाइट्स की जो विजिबिलिटी होती है ना, बहुत कमज़ोर होती है। अधिकतर जो हमारी अब गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें LED लाइट्स मिली, अपर डिपर जब घलता है ना तो भाई पूरा थ्रो चला जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर मारुति ने इस चीज़ का ध्यान रखा है, आप लोग को उसमें लाइट चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग 16 लाख रुपए लगा रहे हैं, 16.5 लाख सॉरी, तो भाई आप लोग को इसमें प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प्स हम लोग को इसमें देखने को मिलने वाले, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से। तो इसका एक प्लस पॉइंट देखने को हमारा बन जाता है, क्योंकि हम लोग को इसमें बाहर से कोई लाइट्स पे खर्चा तो कम से कम नहीं करवाना पड़ेगा। और मारुति की लाइट्स का जो थ्रो रहता है, पर्सनली भाई मुझे बहुत पसंद है, अच्छा खासा थ्रो हम लोग को इस गाड़ी में देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि भाई यहाँ पर ऑफ रोडिंग के साथ साथ मारुति ने यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स भी हम लोग को एड ऑन करे हैं, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी सही लगे, जो हम लोग के शायद थार में नहीं आते हैं। तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग को इसमें भाई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ही मिलते हैं। और भाई पीछे आप देखेंगे ना, दूसरे गेट पर ही, मतलब पीछे वहाँ तक क्या जाना है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर एंटीना भी हम लोग को काफ़ी सही जगह दिया गया है, डिफॉगर भी हम लोग को मिलता है, वैक वाइपर भी हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप जो गेट पे देखेंगे ना, तो ये भी काफ़ी सुंदर हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। इस वजह से भाई इस गाड़ी की जो लुक्स है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे एयर क्यूल सेंसर वगैरह एड ऑन काफ़ी बढ़िया बना देते हैं इस गाड़ी को। तो मेरे हिसाब से भाई दूसरा पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि थार से कम्फर्टेबली काफ़ी सही चीज़ें ऑफर कर देता है। तो ये रहा इसका दूसरा, तीसरी चीज़ पर, तीसरी चीज़ में हम अंदर चलना पड़ेगा हमें उस चीज़ के लिए। जब भाई हम अंदर आते हैं ना, सबसे पहले तो भाई मारुति की गाड़ी में और ज़्यादा सेफ्टी इसमें हम लोग को फील होती है। जब हम अंदर आते हैं ना, तो आप देखेंगे भाई इसका जो हम लोग को इंटीरियर देखने को मिलता है, आप खुद देखिए पर्सनली, भाई थार से आप लोग को लाख गुना ज़्यादा अच्छा इंटीरियर मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे गेट पे भी आप लोग को क्रोम यहाँ पर देखने को मिलता है, सारे पावर विंडो कंट्रोल्स इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे मेन चीज़ क्रूज कंट्रोल हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया चीज़ इसमें बना के दे देता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंटीरियर भी हम लोग को इसका काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेरेटिवली हमारा थार से इसमें ज़्यादा हम लोग को काफ़ी प्रीमियम इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, आप सामने से खुद देख सकते हैं। बाकी AC भी बता दें, क्लाइमेट कंट्रोल AC है भाई महिंद्रा से, तो वैसे भी मारुति का AC काफ़ी तगड़ा हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो भाई इसका इंटीरियर ही मेरे हिसाब से तीसरा पॉइंट। इसके लिए पॉइंट पे आएंगे तो भाई हम लोग को इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा। भाई थार में काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि भाई हम लोग को उसमें कोई स्पेस नहीं मिलता, और जो पीछे बैठते हैं भाई उनको भी कोई बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता है। इस वजह से भाई मारुति ने आप लोग की इस चीज़ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जब आप यहाँ पर जिम्नी में आते हैं ना, देखिए जब हम जिम्नी में आते हैं ना इसमें, तो एक तो सरस्ट देखिए आप, और भाई हम लोग को स्पेस काफ़ी सही मिल जाता है। मतलब 4 डोर है ये, सबसे अच्छा पॉइंट तो ये है भाई कि ये 4 डोर है, और जिस वजह से भाई हम लोग को जो इसमें स्पेस है वो हम लोग को काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। मैं मानता हूँ अंदर थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है, लेकिन थार के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो थार के हिसाब से भाई काफ़ी सही स्पेस हम लोग को ये गाड़ी बनाकर दे देती है। खैर इंटीरियर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो भाई ये चीज़ हो जाती है, भाई हम लोग को जो इसमें स्पेस मिलता है ना वो थार के हिसाब से काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है इसकी चौथी पॉइंट मेरे भाई फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो भाई हमारी जो थार आती है वो आती है भाई सिंगल डोर के साथ, और उसकी प्राइस वही हम लोग को 18 लाख के लगभग पड़ जाती है, 18.5-19 लगभग पहुँच जाती है, तो आप समझिए ठीक है। और जब हम उसमें देखते हैं तो हम लोग को सिर्फ 2 डोर मिलते हैं, और अभी सुन रहे हैं कि भाई थार का भी 5 डोर हम लोग की आने वाली है। लेकिन भाई जब हम बात करें यहाँ पर जिम्नी की, तो जिम्नी हम लोग को भाई थार से भी कम प्राइस में 5 डोर ऑफर कर देती है, जो कि काफ़ी सही है। चलिए मैं आपको साइड में चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग को 1 डोर पीछे ही मिल जाता है, जिससे अब भाई आप लोग को यहाँ से आगे वाली सीट से जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर।
जब आपको यहाँ से देखिए, आप लोग को यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि आप थार में जाते हैं, आप लोग बड़ी आराम से ये गेट खोलिए और आराम से जाइए। तो भाई कम प्राइस में 5 डोर का ऑप्शन हम लोग को जिमनी दे देती है, तो मेरे हिसाब से 5 पॉइंट काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं जिमनी को थार से अच्छा बनाने के लिए। तो बस भाई मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट से आप बताइए आपको ये चीज़ कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।